भारतीय जनता पार्टी जहां प्रदेश में सरकार में है, वहीं पर जो है कार्यकर्ताओं का सम्मेलन जो है विधानसभा स्तर पर बुलाए जा रहे हैं, वहीं पर जो है आज सुर्खी में मौन धारण किया गया है, क्योंकि जो मृतक कोरोना काल में जिनकी मौतें हुई थी उन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं। वहीं पर इस कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष गौरव सरोठिया एवं मंत्री प्रतिनिधि हीरा सिंह राजपूत उपस्थित रहे। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के मौजूद रहे। आप देखिए तुम तक पर यह विशेष खबर। गौरव सरोठिया जी है आप सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम रखा गया था, हम बात करते हैं भाई साहब किस हिसाब से कार्यक्रम रखा गया। भारतीय जनता पार्टी सागर जिले के अंदर सभी 3400 मंडल में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर समय समय पर भारतीय जनता पार्टी हमारे कार्यकर्ताओं को गढ़ने के लिए, कार्यकर्ताओं को उनको भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जोड़ने के लिए समय समय पर इन कार्य समितियों के माध्यम से हमारे आगामी कार्यक्रमों के माध्यम से ये कार्य समिति की बैठकें आयोजित होती है। कहीं चुनाव की तैयारी तो नहीं भारतीय जनता पार्टी? 5 साल भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारी है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारी करती है। वहीं पर मध्य प्रदेश में एक चीज सामने आ रही है, मीडिया के माध्यम से आ रही है, गुप्त चर्चा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बदलने वाले हैं, इस पर आप क्या कह सकते हैं? सागर जिले के अध्यक्ष हैं, बहुत बड़ी बात है मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री के बारे में, ये हम बता भी नहीं सकते। वहीं पर मंत्री प्रतिनिधि हीरा सिंह जी राजपूत मौजूद, हम बात करते हैं आज किस पर चर्चा हुई है यहाँ पर, किस विषय पर? देखिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल कार्यकारिणियों की बैठक चारों तरफ संपन्न होने जा रही है, क्योंकि गठन तो हो चुका था पर कोरोना कार्यकाल के चलते मंडल कार्यकारिणी की बैठक नहीं हो पाई थी। आज आप देख रहे हो कि हमारे सब वरिष्ठ नेता से लेकर एक एक कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है, और खास तौर से जो कल 7 अगस्त को अन्न का महोत्सव मनाया जा रहा है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की गोदामें खोल दी कि नवंबर तक के लिए हर व्यक्ति को फ्री अन्न दिया जाएगा। ये सबसे बड़ी सौगात है। एक जमाना था कि लोगों को गेहूं नसीब नहीं होता, राजनीतिकता की जांच की जाएगी और दोषियों को दंडित किया जाएगा।